वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो अभी अभी हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे आपका जो रिजल्ट ये कब आ सकता है और आपके जो फिजिकल है ये कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो अभी अभी हमें न्यूज मिली है उसके अनुसार हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, आपके यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चली हुई है। तो साथियों, आपका जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आपका 18 से 20 नवंबर को आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। 18 नवंबर को भी आ सकता है, 19 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी। इसका मतलब साथियों, इन 3 दिन में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार कि हमें सूचना मिली है उसके अनुसार। और साथियों, जो आपकी फिजिकल की प्रक्रिया है ये आपकी 24 से 26 के बीच साथियों कभी भी इसकी शुरुआत हो सकती है, 24 से भी, 25 से भी, 26 से भी, ठीक है। तो साथियों, आप सभी के पास यहाँ पे टाइम बहुत कम है, आप अपने फिजिकल की तैयारी यहाँ पे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट 18 से 20 के बीच में आ जाएगा और फिजिकल की प्रक्रिया साथियों 24 से 26 के बीच इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार की हमें अपडेट मिली है साथियों उसके अनुसार आपको हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।